हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और आज का व्लॉग हम अभी से शुरू करेंगे। अभी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल रात को ऐसे तेज़ हल्की लग रहा था कि बारिश तेज़ होगी, लेकिन बारिश हो गई फिर भी स्लो। असल में अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप स्क्रीन से ही बातें कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल के कैमरे में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपने आप से, यानी कि आप अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा फील आता है। चाहिए कभी चेक करके देखना। फिलहाल अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अभी मैंने कैमरे को, अपने मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी वीडियो हो रही थी। आज के दिन हम क्या करेंगे और मौसम दिखाया था कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे वैसे बाल बाल भी कटवाने थे क्योंकि बाल मेरे हो रहे हैं काफ़ी बड़े। बाल मैं करवाता हूँ एक दो हफ्ते बाद क्योंकि मेरे बाल जल्दी से बढ़ गए थे। तो आप मौसम देख सकते हैं कैसा हो रहा है। मुझे यहाँ पर तुम्हें बादल नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बादल हैं, लेकिन गर्मी कम है और फिर थोड़ा साफ हो रहा है। खाया हमने बनी। इसके दो, इसका भाई एक और इसका भाई है और इसकी दो बहनें हैं। अभी मैं फ़िलहाल अपने गिम्बल को चार्ज कर रहा हूँ चार्जर से। चार्जर आपके पास कोई सा भी हो, बस आपके पास इस टाइप की केबल हो जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल एक सेल है और ये सारे सेल चार्ज होने के बाद ही पूरा गिम्बल चलता है। इसके बाद मैं आउटडोर ब्लॉगिंग बनाता हूँ। सही है, चाबी चाहिए भाई, कैच करो भाई, कैच करो। गुड। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सेंटर में और सेंटर की लाइट्स वगैरह सारी ऑफ की हुई है। अभी कोई भी नहीं है फिलहाल मेरे अलावा। लाइट्स मैंने खोल रही है, लाइट्स ऑन करके फिर बनाते हैं ब्लॉग। सही है भाई। आज के ब्लॉग में क्या करना है, आज के ब्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया इंटरेस्टिंग करूँ। अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर लाइट्स वगैरह मैंने खोली भी नहीं है, तो लाइट्स खोल लेता हूँ ताकि लाइट वाइट अच्छी आ जाए। सही है, अब अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं अपने सेंटर के अंदर हूँ। मैं किधर हूँ, कौन सा सेंटर है ये, मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूँगा बैठ के। और ब्लॉगिंग के हवाले से भी मैं अपने जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो उससे बहुत सवाल कर सकते हैं अगर आके ब्लॉगिंग के हवाले से कि ब्लॉगिंग कैसे करनी चाहिए, ब्लॉगिंग के अंदर कौन सा कैमरा आपके पास होना चाहिए, कौन सा गिम्बल होना चाहिए, या नहीं भी हो तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं होटल पर और चाय मंगाते हैं शौकत भाई से, हमारे बराबर में शौकत भाई हैं जो चाय वाय बेचते हैं। सही है। और अभी मेरा फ़िलहाल दोस्त आ जाए तो उसको बुला लेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ देंगे, क्योंकि मैं अकेले अपने साथ गिम्बल को कैरी नहीं कर सकता। अगर मैं गिम्बल कैरी करूँगा तो फिर मेरे साथ ब्लॉग कौन बनाएगा। लाइट्स वगैरह भी आके ऑन रहती है हम लोग, फिर अभी आके हम उसको ऑफ करते हैं। सही है। ये मेरे बराबर के अंदर ये होटल है जहाँ से मैं चाय वाय पीता हूँ। आप सोगत भाई, हम चाय वाय का होटल लेते हैं। सोगत भाई, इस होटल का नाम क्या है? माशाल्लाह कराची होटल। के अंदर क्या क्या मिलता है कुछ बताओगे? चाय मिलती है, मलाई है, उसका में नाश्ता जो है वो है, और ये आपके सामने जो है ना पोर्टिंग है। अब बनाओ तुम मेरी चाय, मैं आपको चाय भी टेस्ट करवाऊंगा। अगर आपको चाय पीनी है तो आप इस तरफ आ सकते हो। और बड़ा खतरनाक काम करते हैं और सौरभ भाई, अच्छी चाय बनाता है। जब ये अपने गाँव गए थे तो हम चाय पीने की तरफ गए थे। सौरभ भाई, तुम जब से गाँव गए हो हमने किसी होटल की चाय नहीं पी। हाँ, हम लोग अभी होटल में चाय पीने ही नहीं गए। ये भी आप कोई नहीं बना सकता क्योंकि इसमें जो है ना तजुर्बा करना पड़ता है। जो बात इस तरह नहीं है कि बस आपको बोलता है कि मैं चाय बना के दूंगा, नहीं, मगर ये दूर से लोग आते हैं। अच्छा, ये बताओ, इसमें एक ये बताओ कि हर चाय का बिजनेस पठानी क्यों करता है, इसके हाथ में से टेस्ट क्यों है? जो वो तजुर्बा रखते हैं। हाँ, पठान के अलावा और कोई नहीं, कौन नहीं कर सकता है। और मेहनत के अलावा जो तजुर्बा इनके पास, लोगों के पास तजुर्बा, आप लोगों के सामने है। बड़े दूर दूर से लोग चाय पीने के लिए आता है, नाश्ता करने के लिए आता है, इन सबको पता है। ईमान की भी बड़ी मदद है, ईमानदारी रखो तो और जो है ना माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डाले। चाय बन गई भाई, दोस्त अब आ रहे हैं वहाँ पर देखो। चाय कौन कौन पी जाएगा? 12 चाय पीते भाई। ये एक हमारे पास ये दोस्त चर्सी चाय पीता है, एक चर्सी चाय पीता है, रुपये लगती है। चाय तो आ गई है, कुछ भी चाय लेना बाकी है।
और भाई चाय टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। बनाते तो अच्छी भाई, चाय टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। मज़ा आ गया। शौकत भाई पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल हैं। अब बताओ इस कट के प्राइस क्या है। तीस रुपये का एक कट है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिलता है। अदरवाइज आपको कितने तक का मिल जाता है, 40 रुपये तक का मिल जाता है कट। शौकत भाई ने चाय दे दी हमें और हम चाय पी के देखते हैं कि कैसे चाय बनती है। चाय यहाँ की किसी भी होटल की चाय ले लो, चाय आपको मीठी मिलती है यहाँ पर, और माशाल्लाह होटल की चाय तो आपको फिर भी अच्छी मिलेगी। पहले हमारे बराबर में जो हमारे पड़ोसी, पहले हम उनकी प्रमोशन करेंगे, बाकी लोगों की प्रमोशन करेंगे। अरे भाई ऐसा कोई ट्राइपॉड लेके आए हैं आप इधर, आए वो भाग गया शर्मा गए। और जमात भाई आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो फिलहाल। मैं आ चुका था लेकिन मैं ज़रा काम से गया हुआ था आपके बड़े भैया के साथ। अच्छा, पौधों में आज हमने पानी डाल लिया है तो पौधे देखते हो कितने साफ सुथरे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत केयर करनी पड़ती है। अदरवाइज आप केयर ना करो तो देखो यहाँ पर हम जितनी भी केयर कर लें, यहाँ पर ये जो बैठे हुए ना ये यहाँ की रेड़ लगा देते हैं। देखो ये बहुत घना पौधा था और इसके जैसे इसके आप ही देख रहे हो इसके बिल्कुल यही थे, लेकिन इसके पहुँच लिए लड़ते हैं तोड़ देते हैं। और ये इस पौधे को हमारे मतलब इस तरह बनते इसको 8 से 9 महीने हो गए हैं तक छोटा, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनने में। और सेकंड जो हमारे पास ये जो दर्द है फली का, फली के पेड़ को हमने लगाया था, ये फली के पेड़ को हमने लगाया था आज से 1.5 साल पहले, और ये अब जाके इतना बड़ा पेड़ बना है। चले भाई क्या नहीं चाय बताओ आप कैसी है। चाय अच्छी है लेकिन उधार की सहूलत है हमारे लिए, उधार के लिए भी सहूलत देती है। उधार अगले चौक से, उधार अगले चौक से भाई। फिलहाल यहाँ पर बैठना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पीछे आप देख रहे हो सिलेंडर, उस सिलेंडर से इतना खौफ होता है क्योंकि कभी भी सिलेंडर फट सकता है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी बाल मेरे काफ़ी बड़े हो गए, मुझे बाल कटवाने जाने थे क्योंकि बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं मेरे। हाँ तो भाई अगर आपके साथ एक बंदा लाजमी हो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि अगर आप अकेले होंगे तो फिर आपके व्लॉग जो होंगे ना संभालने वाला कोई नहीं होगा। एक संभालने वाला चाहिए ना, व्लॉग भी तो चलना चाहिए। जो बात है, बाकी मैं अपने बाल बाल सेट करवाऊँगा और थोड़ी सी मैंने जो क्लीन शेप करवाई थी अपने आपको तो उसके भी बड़े प्रॉपर हो गए, आपको व्लॉग नेक्स्ट मिलेगा। तो अभी ये व्लॉग ख़त्म नहीं कर रहे, अभी बहुत सा व्लॉग में कुछ बाकी है। मेरे नज़र में ना, मेरे पापा की नज़र में एक बात ये है कि जितने भी वो 70 के अंदर हैदराबादी सिलेंसर लाए घूमते हैं ना, उनको उतार के हमारी पुलिस को चाहिए कि डंडे मारें, क्योंकि ये आपके व्लॉग के अंदर इतना शोर पैदा करते हैं कि आपका व्लॉग जो है ना सुनने के काबिल नहीं रहता। इसी वजह से मुझे माइक लेना पड़ेगा, लेकिन माइक अभी थोड़ी बार टाइम बाद लेंगे क्योंकि व्लॉग को अभी कंटिन्यू करना था, फिर माइक तो लेना पड़ेगा। तो पिछले व्लॉग में पता किया था कि हम इस व्लॉग के अंदर कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखाएंगे आपको, तो टाइम आ चुका है कुछ आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखा देते हैं। और सामने वाला जो हमारा ये भूत बंगला है, सिनेमेटिक शॉट के लिए ये बहुत बेस्ट है। सही है, अभी हम सिलेक्ट काम करते हैं, हम चलते हैं वहाँ पर जाके सिनेमेटिक शॉट्स बनाते हैं। भाई अब सिनेमेटिक शॉट देखने के लिए तैयार हो, इस देख लो इस जगह को, कैसी खंडर जगह ही है, तो उस व्लॉग को अब देखो। थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। और इस ब्लॉग में सिर्फ मैंने ये इतनी सी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमारे शौकत भाई पी गए हमें। खैर, तो इसी ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है और इससे भी खतरनाक ब्लॉग हम लोग अब डेली बेसिस पर बनाते रहेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।